लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक से राजभवन में मुलाकात की। अखिलेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी राम मंदिर समारोह के लिए अयोध्या में थे। डिप्टी सीएम ने कहा, मंदिर बनाने के लिए अगर कानून लाने की जरूरत पड़ेगी तो कानून लाकर राम मंदिर बनाएंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी राम मंदिर समारोह के लिए कन्नौज में डीएम ने सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए औचक निरीक्षण किया। तीमारदारों की शिकायत करने पर डीएम ने बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। चित्रकूट प्रयागराज बॉर्डर पर महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है। हमीरपुर में नाबालिग से गैंगरेप का अश्लील वीडियो बनाकर उसे 1 साल तक ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने राठ कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। चंदौली के सैयद राजा कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर एक ट्रक से भारी मात्रा में तस्करी के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। शराब तस्कर आम की बोरियों के बीच छिपाकर शराब को बिहार ले जा रहे थे। कुशीनगर में पुलिस ने DCM और पिकअप से तस्करी कर ले जाई जा रही अवैध शराब की 840 पेटी बरामद की है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अलीगढ़ में पंचायत के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। होम थिएटर चोरी होने को लेकर पंचायत हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना में एक राहगीर को भी गोली लगी। गोली लगने से इलाके में सनसनी। चित्रकूट में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बाराबंकी में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई। 2 लड़कों के नाम डाक द्वारा ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया था। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। रामपुर में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा समेत उसकी टीम के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी दारोगा और उसकी टीम पर आरोप है कि युवाओं को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से रकम ऐंठता था। गोरखपुर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में रिश्तेदारी में आई युवती से 5 लोगों ने अगवा कर बगीचे में गैंगरेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। ललितपुर में किले के चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर में मामूली कहासुनी पर गांव के 5 लड़कों ने युवती की पिटाई और बेइज्जती की, जिसके चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। झांसी में तेज रफ्तार बस के पलटने से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेरठ में दवाई फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम में ब्लास्ट हो गया। दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराजगंज में दबंगों ने मामूली बात को लेकर दुकान में घुसकर मारपीट की। चाकू लहराते हुए दुकानदार को जान से मारने की कोशिश की। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। जौनपुर में नाले का पानी और रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस सक्रिय होकर मामले की कार्रवाई में जुट गई। बाराबंकी में रंगदारी का विरोध करने पर व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी गई। रंगदारी न देने पर दबंगों ने उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा। मेरठ में दवा फैक्ट्री के बाद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ के एक इलाके में युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक परिवार के जमीनी विवाद में युवक की हत्या की गई है। 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ के एक इलाके में रुपए मांगने गए युवक की दबंगों ने पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगई दिखाते हुए राह निकलने वालों पर भी डंडे की फटकार लगाई। बुलंदशहर में चोरों ने इंडियन गैस गोदाम का ताला तोड़कर लाखों का माल उड़ा लिया। चोरी की पूरी वारदात गोदाम में लगे CCTV में कैद हो गई। बुलंदशहर के टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। जौनपुर के सुबानगर के बगीचे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव के पास से आधार कार्ड, मोबाइल चार्जर और चश्मा बरामद किया है। मुरादाबाद में मामूली बात पर लाठी डंडे चले। हंगामे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
आगरा में 12 जून को ही महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मृत सावित्री के पति को गिरफ्तार किया है और हत्या के पीछे अवैध संबंधों को कारण बताया जा रहा है। आगरा की थाना ताजगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अमर विलास होटल में एक फ्रॉड व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण ओपीडी में भयंकर धुआं उठा। धुआं उठता देख अस्पताल में भगदड़ मच गई। बाराबंकी में तेज रफ्तार से आते कार ने टक्कर मार दी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कासगंज के तारापुर नसीर गांव में खेत मालिक को मामूली विवाद के चलते साझेदार ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल किसान को कासगंज जिला चिकित्सालय से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एटा में प्रसव पीड़ा से कराती महिला के लिए एम्बुलेंस स्टाफ मसीहा बनकर सामने आया। एम्बुलेंस चालक ने प्रसव पीड़ा से छटपटती महिला को देख एम्बुलेंस रोकी और एम्बुलेंस में ही मौजूद स्टाफ ने महिला का प्रसव कराया।